हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हुसैन 26 में। अगर आपका बजट है 12,000 के आसपास और आप इस प्राइस रेंज में एक अच्छा कैमरा फोन खोज रहे हैं, तो आपको बता दें कि आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे स्मार्टफोन बताएंगे जिसमें कैमरा काफी धांसू मिल जाएगा। कैमरा तो धांसू मिलेगा ही, इसके अलावा अदर फीचर भी नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा। हमने इन तीनों फोन का रैंकिंग नहीं किया, ये प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हमारे लिस्ट का पहला फोन आता है Realme के तरफ से, Realme Narzo 50A। स्टार्ट करते हैं कुछ हल्का फुल्का बातों से। आपको बता दें कि ये फोन 9.6 mm का पतला फोन देखने को मिलेगा, तथा इस फोन का चौड़ाई 75.9 mm का है, यानी कि समझ लीजिए कि 4 इंच का चौड़ा फोन दिखेगा आपको। वहीं इस फोन का वजन की बात करें तो बताया जा रहा है कि इस फोन का वजन 207 ग्राम है। फोन का वजन आपको थोड़ा भारी महसूस कराएगा। 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिलेगा। ये तो था छोटा मोटा फीचर, अब स्टार्ट करते हैं मेन फीचर। 6.5 इंच का HD+LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। डिस्प्ले नॉर्मल ही देखने को मिलेगा। 60 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया, 120 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप हल्का फुल्का गेमिंग कर सकते हैं। वहीं परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ, जिससे आप डेली वर्क तथा नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फोन का पावर हाउस का, तो 6000mAh का एक बड़ा बैटरी दिया गया है, जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 18 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। चार्जिंग में थोड़ा मोड़ा समय लेगा, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा रियर फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी का इस फोन में काफी ध्यान रखा गया है। अब बात करते हैं रैम स्टोरेज की, तो 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 256GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिसमें 2 4G सिम एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हैं, यानी कि डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 50 MP का दिया गया है, 2 2 MP का माइक्रो लेंस तथा डेप्थ लेंस देखने को मिल जाएगा। वही सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो 8 MP का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। आपको इस फोन में कैमरा काफी धांसू देखने को मिलेगा। अब बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। 4/64 वाला वेरिएंट का दाम 11,499 रुपया है। वही 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट का दाम 12,500 रुपया रखा गया है। अगर आप फोटोग्राफी के अलावा अच्छा बैटरी बैकअप वाला फोन चाहते हैं, तो ये फोन आपके लिए काफी बेस्ट हो सकता है। फिर तो चलिए नेक्स्ट फोन की बात कर लेते हैं। हमारे लिए इसका दूसरा फोन आता है सैमसंग के तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F12। स्टार्ट करते हैं इस फोन का कुछ बेसिक फीचर से। फोन की चौड़ाई की बात करें तो लगभग 4 इंच का चौड़ा है। वहीं 9.7 mm का पतला फोन देखने को मिलेगा। इस फोन का वजन आपको थोड़ा भारी महसूस कराएगा, क्योंकि इस फोन का वेट 221 ग्राम है। ये तो था बेसिक फीचर, अब मेन फीचर की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का, तो एक जीनोस का 850 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ, जिससे आप डेली वर्क तथा नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं इस फोन का पावर हाउस का, तो 6000mAh का एक बड़ा बैटरी दिया गया है, जिसको एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज कर पाएंगे। वहीं बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले का, तो 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले आपको नॉर्मल ही देखने को मिलेगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, नहीं ज्यादा छोटा होगा। वहीं बात करें रैम स्टोरेज का, तो 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 512GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिसमें 2 4G सिम तथा एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हैं। अब आखिरी में बात कर लेते हैं इस फोन का कैमरा का, तो क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 48 MP का दिया गया तथा 5 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का डेप्थ, 2 MP का माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो 8 MP का दिया गया। आपको बता दें कि इस फोन में फोटोग्राफी के अलावा भी अदर काम भी काफी आसानी से कर सकते हैं। अब बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। 4/64 वाला वेरिएंट का दाम 11,499 रुपया आपको पड़ जाएगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट फोन की बात कर लेते हैं। अब हमारे लिस्ट का आखिरी फोन आता है पोको के तरफ से, पोको M3। हाँ, मानता हूँ ये फोन थोड़ा पुराना है, लेकिन फीचर इसमें काफी बवाल का दिया गया है, इसलिए इस फोन को मैंने सिलेक्ट किया। स्टार्ट करते हैं इस फोन का कुछ बेसिक फीचर से, तो 9.6 mm का पतला तथा 7.3 mm का चौड़ा फोन देखने को मिलेगा। इस फोन का वजन आपको नॉर्मल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस फोन का वेट 197 ग्राम है। 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिलेगा। ये तो था कुछ बेसिक फीचर, चलिए मेन फीचर की बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस से, तो क्वालकॉम ड्रैगन 662 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा ऑक्टा कोर के साथ, जिससे आप डेली वर्क तथा हल्का फुल्का गेमिंग कर सकते हैं। वहीं इस फोन का पावर हाउस की बात करें तो 6000mAh का एक बड़ा बैटरी दिया गया है, जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 22.5 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले आपको इस फोन में नॉर्मल ही देखने को मिलेगा। 60Hz का एक नॉर्मल स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया। बात करते हैं इस फोन का रैम तथा स्टोरेज का, तो 6GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप इसमें 512GB तक का मेमोरी
को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। वही बात करें इस फोन का कैमरा का, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया गया है। वही 2-2 मेगापिक्सल का माइक्रो तथा डेप्थ लेंस देखने को मिल जाएगा। सेल्फी कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। आप रियर तथा फ्रंट कैमरा से फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। कैमरा से आपको इस फोन में कोई शिकायत नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि इस फोन में कैमरा के अलावा अदर फीचर भी काफी धांसू दिया गया है। अब बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। आपको बता दें कि इस फोन का प्राइस 11,499 रुपया है। यही था दोस्तों आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।